अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है। आपको बता दें, रविवार को 4 चिनूक हेलीकॉप्टर गुजरात में कच्छ के मुद्रा एयरपोर्ट पर पहुंचे। 2015 में भारत सरकार ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर की लगभग $2.5 अरब की डील की थी। बताया जा रहा है इस साल के अंत तक सारे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे वायुसेना को कितनी मजबूती मिलती है। शास्त्री पार्क और सीलमपुर पर लगने वाले जाम से जल्द मिलेगी राहत। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर पूर्वी जिला शास्त्री पार्क में सिग्नल फ्री योजना का शिलान्यास किया। अब देखना यह है कि इस पर यह अमल कर पाएंगे या नहीं। केंद्र सरकार विश्वविद्यालय के आरक्षण के रोस्टर में एक बार से फंस चुकी है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ये बात क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी सरकार ने विश्वविद्यालय के आरक्षण को खत्म कर दिया है। ऐसे में स्थिति सांप और चुचुंदर जैसी पैदा हो चुकी है। फैसले के खिलाफ जाने वाले अपर कास्ट और चुप्पी साधने वाले आरक्षण वर्ग को नुकसान हो सकता है। ऐसे दोनों ही सूरत में ये बात क्लियर है कि बीजेपी अपने जवाब में क्या कहती है। देखने वाली बात ये होगी, जब बीजेपी इस चीज़ पर चुप्पी तोड़ेगी तो उसके बोलो। दिल्ली में वोटर लिस्ट का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीजेपी ने सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग जारी की, जिसमें एक शख्स ने कहा कि आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और ये काम बीजेपी करवा रही है। बीजेपी के एक शुभचिंतक के पास कॉल आया और उसने कॉल रिकॉर्ड की। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी वोटरों को बरगला करने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। अब देखने वाली बात ये है कि कॉल रिकॉर्डिंग पर क्या कार्यवाही की जाएगी। अपनी लाइफ पर आधारित डांस परफॉर्मेंस को देखकर बेहद भावुक हुए रणवीर सिंह। हाल ही में रणवीर सिंह टीवी शो सुपर डांसर के चैप्टर 3 में अपनी मूवी गली बॉय को प्रमोट करने के लिए आए थे, जहां एक परफॉर्मर ने उनकी मूवी लुटेरा के हिट सॉन्ग पर परफॉर्म करके उनकी यात्रा को अपने डांस के जरिए दिखाने की कोशिश की थी, जिसे देखकर रणवीर सिंह काफ़ी भावुक हो गए थे। रणवीर सिंह की मूवी गली बॉय 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन रिलीज़ हो रही है और देखना यह है कि जितना उनके गानों को पसंद किया गया है, क्या उनकी मूवी को भी उतना पसंद किया जाएगा। पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म अमावस दर्शकों को आई बहुत पसंद। नरगिस फाकरी इसमें हीरोइन है और हीरो हैं सचिन। माना जा रहा है कि फिल्म काफी हॉरर है और दर्शकों को काफी डरा रही है। इस हफ्ते आ रही है गली बॉय और अब देखना यह है कि अमावस गली बॉय के सामने टिक पाती है या नहीं। राजस्थान में हिंसक हुआ गुज्जर आंदोलन। 5% आरक्षण ना देने पर राजस्थान के धौलपुर के गुज्जर उतरे सड़कों पर। नेशनल हाईवे NH3 पर लगाया जाम। तकरीबन 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा। जब पुलिस अधिकारी स्थिति को संभालने के लिए आए, तब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारी के वाहन तक जला दिए गए, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी घायल भी हुए। तब पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े और हवा में फायरिंग भी की, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। तब धौलपुर के गाँव पर धारा 104 सुना रहा हूं मैं। अच्छा चल, दिल्ली NCR क्षेत्र में वाहनों की चोरी पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनमें 2 स्कूटी और 6 बाइक बरामद हुई हैं और एक बदमाश फरार है। जल्द ही पुलिस उनको पकड़ेगी। आजकल के इस युग में फैसले लेना हो गया है मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के जज चीफ जस्टिस JK ठीकरी ने कहा कि आजकल के इस ज़माने में फैसले लेना मुश्किल हो गया है। कोर्ट में कोई याचिका दायर करने से पहले ही जनता उस पर अपनी राय देने लग पड़ती है कि उस पर क्या नतीजे होने चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि उच्च न्यायालय के सामने जनता की अदालत छोटी पड़ती है, जनता की अदालत के सामने उच्च न्यायालय। 2003 मुंबई धमाके में हनीफ सैयद की मौत। नागपुर सेंट्रल जेल में 2003 के दोहरे मुंबई धमाके में सजाए मौत पा चुके 3 दोषियों में से एक मोहम्मद हनीफ सैयद की मौत एक शनिवार को एक अस्पताल में हो गई। अब देखना यह है कि पुलिस इसमें अपनी क्या कार्रवाई करती है।